अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट लवर विद सरफराज। मैं इस वक्त कुत्तों की के गांव ठिंग सात लम्बा चक में, जो कि गेलन के नाम से मशहूर है, मैं उस वक्त खड़ा हूं और मैं आपको एक नर्सरी का विजिट करवा रहा हूं। और मैंने आपको बताया कि मैं इधर आया हूं और मैं आपको एक नर्सरी का विजिट करवाता हूँ और इसके अंदर आपको दरख्त पौधे दिखाएँगे। ये एक छोटी सी नर्सरी है और इसका हम आपको विजिट कराते हैं। इसके बाद हम आपको एक बड़ी नर्सरी का विजिट कराएंगे और इसमें से बहुत सी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे जो इसमें नहीं है वो इसमें है। और इस वीडियो में हम आपको इस छोटी सी नर्सरी का विजिट कराते हैं और इसके बाद बड़ी नर्सरी का भी हम आपको विजिट कराएंगे। ये काफ़ी बड़ी नर्सरी है जो साथ में ये छोटी है, हम इसमें से अब आपको दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो अपनी को। ज़्यादा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन थोड़ा बहुत इस दरख्तों के बारे में मालूम है। ये पांडा का, मेरे पीछे पांडा फैक्स का पौधा है जो मेरे पीछे खड़ा हुआ है और ये खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोग इसको कोठियों में, सड़कों पर कोठी, ये इन लोगों ने थैली भरी हुई है कलम उगाने के लिए। और ये मिट्टी है, इसको अंदर डालते हैं। इस वक्त तो ये मौजूद नहीं है भाई जो ये काम करते हैं। ये देखें, ये उन लोगों ने थैलियाँ भरी हुई तरीके से और ये कलम उगाने के लिए, पेमदकारी नहीं, कलम उगाने के लिए हैं। दरख्त की जो कलमें उगाते हैं, हम आपको दिखाते हैं जो इन्होंने कलमें उगाई हुई हैं। शापत लगा हुआ है, बड़ा सा जाला सा। ये देखें, ये शापत लगा हुआ है, ये कलम है जो उग रही हैं। ये डेकोरेशन पीस है ये भी, ये टेक्निकल काम में आता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो है ना सारा हवा, इसका ऑक्सीजन जो है सब बंद किया हुआ है। इसको एक टेम्परेचर देते हैं ताकि इसमें से जो है, जो भी लगा हुआ है, कलम लगी हुई है, वो बाहर निकल आए हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ के जो पौधे बाहर रखे हुए हैं थैली से बाहर, छापे से बाहर, वहाँ आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी पहले ऐसे ही छापा चढ़ाया हुआ था, अब ये उग रहे हैं। और ये तकरीबन चल चुके हैं मगर उगने के लिए, ये ग्रोथ में अपनी कर रहे हैं। इधर ये ग्रोथ कर रहे हैं अपने। इनको पर भी ऐसे छापा चढ़ा था जैसे मैंने पीछे आपको दिखाया। ये सब डेकोरेशन तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर बहुत खूबसूरत माहौल है, खूबसूरत जगह है। अब इतना टाइम नहीं है कि जो सब चीज़ें हम आपको दिखा सकें। ये जो इन्होंने लगाई थी वो शाखें शहशूत की, वो भी उगाई हैं। ये थैलियाँ भरी हैं और इसमें से जो पौधे फैक्स के उग रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत ये इधर देखें, खूबसूरत जगह है काफ़ी। और ये सब सेल करते हैं, डीलर आते हैं बड़े बड़े जो इनसे डील करते हैं और ले जाते हैं। ये जो जगह है आपको नज़र आ रही है, ये सब फैक्स के दरख्त बिके हैं, पौधे इनके गड्ढे।
ये बाहर का मौसम पतझड़ हुआ है, अब ये उगेगा दोबारा से। ये मेरे ख्याल से अनार के पौधे, ये भी डेकोरेशन पीस। ये भी डेकोरेशन पौधा, ये भी डेकोरेशन पौधा। ये थैली में काफी बड़ा हो चुका है, काफी अच्छा, बहुत ही खूबसूरत पौधा है, ये मुझे बहुत पसंद है। सभी पौधे बहुत अच्छे अच्छे हैं इधर। परिंदे चरिंदे इधर बहुत हरियाली, बहुत खूबसूरत मौसम। ये आपको दिखाता हूँ, ये परिंदा शायद वो निकल गया, जंगली जानवर था छोटा सा, बहुत खूबसूरत। ओ ये शायद आपको नजर ना आए।